एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि मैं ट्रैवलिंग में क्या क्या चीजें लेके जाती हूं, क्या क्या चीजें मैं यूज करती हूं। जैसे कि अभी बच्चों के स्कूल्स बंद हुए हैं तो बहुत से लोग हैं जो कि अभी घूमने जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो आपको एक थोड़ा सा ना आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या क्या चीजें अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैं अपने साथ जब भी कहीं बाहर जाती हूं 2-4 दिनों के लिए तो मैं जरूर रखती हूं, तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो आप देख सकते हैं मेरे ये 2 किट्स, इसमें मैं अपना सारा स्किन केयर का सामान रखती हूँ, जो भी जैसे कि मेरे टोनर्स हो गए या फिर सनस्क्रीन हो गए, ये सब मैं इसमें रखती हूँ। और ये है मेरा नायका का पाउच, आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं अपने सारे मेकअप की चीजें रखती हूँ, जैसे कि काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये सब चीजें मैं इसमें रखती हूँ। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें लेके जाती हूँ, ताकि आपके साथ शेयर हो जाएगा यार। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको अपना फेस वॉश। मैं ये वाला फेस वॉश, इस बार अभी मैं गई थी 2-3 दिन में वापस आई हूँ यार, तो मैं ये वाला फेस वॉश लेके गई थी और ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, टैनिंग बिल्कुल भी आपके फेस पे नहीं होने देगा। तो एक फेस वॉश तो जरूर कैरी करती हूँ मैं, वो तो बहुत जरूरी है। और उसके बाद मेरे साथ जो हमेशा होता है वो है मेरा टोनर, ये है बायोटिका बायो कुकुम्बर टोनर। ये टोनर बहुत ज्यादा अच्छा है, पोर टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो ये टोनर मेरा फेवरेट है। आप देख सकते हैं इतना रह गया है, इसे मैं रोज यूज करती हूँ। अब मैं इसको डेली रूटीन में भी मैं इसी को यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके बाद मेरे पास एक ये सनस्क्रीन जरूर होता है, लोटस का सनस्क्रीन, ये मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है। इसके अलावा मुझे कोई सनस्क्रीन सूट नहीं करता है, या तो मैं इसे यूज करती हूँ या फिर मेरा लैक्मे का जो कॉम्पैक्ट है सनस्क्रीन वाला उसे यूज करती हूँ, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जो ऑयली स्किन वाले हैं, हाईली ऑयली स्किन वाले हैं, उनको ये हाईली रिकमेंडेड है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, आप इसे बिना किसी डर के यूज कर सकते हैं। मुझे मेरा फेवरेट है, मेरे पास हमेशा होता है ये, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ये मेरे पास जरूर होता है। और इसके अलावा रात में भी और सुबह के टाइम में भी मैं क्रीम लगाने से पहले अपना बायो क्लोरोफिल जेल जरूर लगाती हूँ, आप देख सकते हैं ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरी स्किन को बहुत सूट करता है। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो क्रीम लगाती हूँ, अगर मुझे बाहर नहीं जाना है, थोड़े टाइम मुझे रुकना है, तो मैं ये लगा लेती हूँ, तो इससे मेरा काम चल जाता है। और रात को मैं यही लगाती हूँ मॉइस्चराइजर के लिए। और इसके अलावा जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो तो मेरे साथ हमेशा ही होती है, ये है मेरे बायोटिक की विंटर ग्रीन क्रीम, ये तो मेरे पास हमेशा होती है, चाहे मैं घर में हूँ चाहे मैं बाहर हूँ, ये मुझे लगानी ही है रात को। तो एक मेरे पास ये होती है और एक होता है मेरे पास मेरा सीरम। तो ये आप देख सकते हैं ये बायोटिक का बायोलेस सीरम है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे बालों में बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होने देता है, बहुत अच्छा है, तो मैं इसको जरूर कैरी करती हूँ। और एक चीज और मैं आपके साथ यहाँ पे इंक्लूड करूंगी, मैं हेयर वॉश करने के लिए बॉटल्स नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं, इसलिए मैं हमेशा पाउच ही प्रेफर करती हूँ। जिस भी शैम्पू को मैं यूज करती हूँ मैं उसी का एक शैशे रख लेती हूँ, तो उससे जगह भी कम घिरती है और मतलब जगह भी कम लगती है, और फिर ना मतलब आपका काम भी हो जाता है बहुत अच्छे से, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स हो जाती है यार, फिर बहुत ज्यादा आपका बहुत ज्यादा सामान हो जाता है। और इसके अलावा मेरे पास जो रहते हैं वो है ये कॉटन पैड्स, ये मेरे पास जरूर रहते हैं, जिससे कि मैं अपना टोनर वगैरह यूज करना हो या फिर अपना मेकअप रिमूव करना हो या कुछ भी, तो मैं इससे अप्लाई कर लेती हूँ। और इसके बाद जो मेरे पास रहता है वो है मेरे ये वाइप्स, ये है क्लीन एंड क्लियर के वाइप्स, इनसे मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव होता है। अगर कभी आपका मन नहीं है, आप मैं माइसेलर वाटर ज्यादा नहीं ले जाती हूँ, मैं हमेशा वाइप्स ही प्रेफर करती हूँ, तो मैं एक तो ये ले जाती हूँ फेस मेकअप के लिए, और आई मेकअप के लिए मेरे पास मैंने ये मंगाए थे, तो मैं इस बार यही लेके गई थी और ये बहुत अच्छे हैं, कारा के वाइप्स बहुत अच्छे हैं, आई का मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव कर देते हैं। तो इस वाले किट में मेरे इतना ही चीजें रहती हैं। और इसके अलावा मेरे पास कॉम्ब रहता है, ये सब चीजें तो रहती हैं, जैसे कि कॉम्ब हो गया आपका, और ये देखिए ये छोटा सा कॉम्ब है, ये मैं लेके जाती हूँ, और ये मेरा कॉम्ब हो गया, ये दोनों चीजें मेरे पास रहती हैं, ये सब चीजें यूजुअली मेरे बैग में रहती हैं, जिससे कि एकदम से आप निकाल के अपने बाल वगैरह आपको ठीक करने हैं तो आप कर सकते हैं, ये यूजुअली मेरे बैग में रहती हैं। और इसके अलावा मेरे पास रहता है ये निविया का वाइटनिंग बॉडी लोशन, ये टैनिंग नहीं होने देता, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं आप इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। फ्रेग्रेंस वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो मैं कोई भी उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यही रखती हूँ, मैं कोई भी रख लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं ये ले गई थी इसलिए मैंने आपको भी यही दिखाया है। और इसके अलावा मेरे पास जो क्रीम रहती है, मैं कोई बीबीसीसी क्रीम नहीं लगाती हूँ, ज्यादातर मैं नहीं लगाती हूँ, मेरे पास रहती है वो बात अलग है, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ, लगाती मैं ज्यादातर यही हूँ, पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी क्रीम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, अभी भी मैंने अपने फेस पे यही लगाई हुई है, मुझे बहुत पसंद है, आप इसको एक बार यूज जरूर कीजिएगा, अगर आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पिगमेंटेशन की, वो सब भी ये दूर करेगा, क्योंकि बहुत अच्छी क्रीम है, मैं बहुत दिनों से इसको यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलता है, इसीलिए मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्रीम है।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने मेकअप पाउच पे क्या क्या लेके जाती हूँ। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं ये भी मेरे पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाई है अपनी ये क्रीम, इस क्रीम को लगाती हूँ मैं। अगर मैं मुझे दिन में कहीं बाहर जाना होता है तो मैं लगाती हूँ अपना ये वाला कॉम्पैक्ट, ये आप देख सकते हैं, इसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट है ये, मैं इसको लगाती हूँ जिससे कि स्वेटिंग नहीं होती। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो स्वेटिंग नहीं होती है, कभी कभी इसे भी लगा लेती हूँ या ये भी मैं लेके जरूर जाती हूँ अपने साथ में। और इसके अलावा जब मैं शाम को निकलती हूँ बाहर घूमने के लिए तब मैं लगाती हूँ अपना ये स्टूडियो फिक्स, ये बहुत अच्छा है। आपको कुछ भी नहीं अगर करना है, आप थक चुके हैं तो आप इसे रख लीजिए, इससे आपका कंप्लीट मेकअप हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये। तो ये मेरे पास हमेशा होते हैं दोनों, ये मैं जरूर लेके जाती हूँ। और इसके अलावा है मेरा ये छोटा सा बिंदी का पत्ता, ये तो मेरे पास जरूर ही होता है। और इसके अलावा मैं रखती हूँ अपनी दो तीन लिपस्टिक के शेड, में बहुत ज्यादा कहीं भी लेके नहीं जाती हूँ, बस मेरे पास दो या तीन शेड ही रहते हैं। कितनी सारी लिपस्टिक ले जाने का ना क्या मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता है, वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। एक तो मैं रखती हूँ ये रेड लिपस्टिक जो कि मैंने राइट नाउ अभी अपने लिप्स पे लगाई हुई है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला कलर, मैं अपने पास जरूर रखती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, हर ड्रेस के साथ मैच कर जाता है। उसके अलावा एक रखती हूँ मैं ये ब्राउन शेड, आप देख सकते हैं ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, बहुत अच्छी है, ब्लू हेवन की स्प्लैश लिपस्टिक है ये, और इसका शेड है 307 और बहुत ही अच्छा शेड है ये। और ये है मेबलिन की लिपस्टिक, इसका शेड है 800 डायनामाइट रेड, ये भी बहुत अच्छा शेड है। ये दोनों शेड मेरे पास आपको हमेशा मिलेंगे, अगर मैं कहीं एक दिन के लिए भी जाती हूँ और अपने अपने हैंडबैग में भी मेकअप का सामान रख के लेके जाती हूँ तो भी मैं ये दोनों लिपस्टिक जरूर लेके जाती हूँ। और इसके अलावा मैं लेके गई थी ये वाली पर्पल की लिपस्टिक, ये भी बहुत अच्छी है, अच्छा सा डिफरेंट सा कलर है, आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा है, मैट है। अगर आप बार बार लिपस्टिक चेंज चाहते हैं ना करें और एक लिपस्टिक आपके लिप्स पर टिकी रहे तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लिप क्रेयन है। तो मैं ये तीन शेड्स ज्यादातर मेरे पास होते हैं, इनमें से अदल बदल हो जाता है लेकिन रहते ज्यादातर मेरे पास तीन लिपस्टिक्स हैं, मैं इससे ज्यादा लिपस्टिक कैरी नहीं करती हूँ। और इसके अलावा दो रहती हैं मेरे पास लिप लाइनर्स, क्योंकि लिप लाइनर्स मैं जरूर यूज करती हूँ, एक रेड और एक ब्राउन, ये हर उसके साथ साथ जाता है। अगर मैं रेड लिपस्टिक लगाऊं, पिंक लगाऊं उसके साथ ये जाएगा, और अगर ब्राउन लगाती हूँ तो उसके साथ ये जाएगा, तो इसलिए मैं ये दो लिप लाइनर्स कैरी करती हूँ जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा मेरा है सिंदूर, ये है मेरा ब्लू हेवन का सिंदूर, सिंदूर तो मेरे पास जरूर रहता है, मस्त है ये। और इसके अलावा मैं रखती हूँ अपना लाइनर, ये है फेसिस का लाइनर, आप चाहे तो रख सकते हैं क्योंकि अच्छा लगता है यार बाहर कहीं जाते हैं तो कभी कभी लगाने में, तो मैं ये रखती हूँ। और ये मेरा काजल जो कि मेरे पास जरूर रहता है, ये बिल्कुल स्मज फ्री है, बहुत अच्छा है, स्मज नहीं करता है, बहुत अच्छा है, मैं इसको रखती हूँ। और एक मेरा मस्कारा, ये तीन चीजें आई मेकअप के लिए रखती हूँ, आई शेडो वगैरह मैं कैरी नहीं करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ। और एक मेरे पास नेल पॉलिश रहती है, ये मैंने नायका की रखी थी इस बार, इसलिए मैंने यही आपको दिखा दी है, क्योंकि ये किट्स मैं आपको आने के बाद आपको दिखा रही हूँ, मैंने अभी इनको लगाया नहीं है, इनको खाली नहीं किया है, अनपैक नहीं किया है, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैं ले गई थी ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं। तो ये वाली नेल पेंट मैं लेकर गई थी और ये वाली नेल पेंट बहुत अच्छी है, वैसे कोई भी नेल पेंट आप चाहे तो रख सकते हैं क्योंकि एक नेल पेंट बहुत जरूरी है आपके किट में रहना। मान लीजिए आपकी नेल पॉलिश चिप हो गई है या फिर कहीं से भी थोड़ी सी हट गई है तो आप एकदम से उसे दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक छोटा सा ब्लशर मेरे किट में होता है, यह है मेबलिन का कलर शो ब्लशर, ये भी बहुत अच्छा है, आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं, बहुत छोटा सा पैक है तो ले जाने में आसानी रहती है। और लिप बाम ये तो मस्ट हैव है, ये है निविया का लिप बाम, ये तो मस्ट हैव है, जरूर लिप बाम तो आपके किट में होना ही चाहिए, और कुछ हो या ना हो लेकिन लिप बाम तो जरूर होना चाहिए। तो इतनी ही चीज़ें ज़्यादातर मैं अपने बैग में रखती हूँ और इससे ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने बैग में रखनी चाहिए या कुछ, क्योंकि कॉन्टोरिंग ये सब चीज़ तो इतनी ज़्यादा आप बाहर ट्रैवलिंग में नहीं करते। अगर आप कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं तब आप थोड़ा सा मेकअप की आपकी चीज़ें आप उनको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और कुछ चीज़ें भी इनमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं यही चीज़ें ले जाना प्रेफर करती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं ले जाना प्रेफर नहीं करती हूँ। एक किट स्किन केयर का रखती हूँ, एक किट रखती हूँ अपने मेकअप का, तो बस इतनी ही चीज़ें मेरे बैग में रहती हैं। तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन को हिट कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अरेंज कर दूंगी या यार दे ही दूंगी, क्योंकि उससे ये रहता है ना कि अगर आप लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं। और एक चीज़ में और भूल गई यार, निकली हुई रखी है, भूल गई, नेल पॉलिश वाइप्स। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं नेल पॉलिश वाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप नेल पॉलिश अगर अपनी रिमूव करना चाहते हैं तो बोटल्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो आप ये वाइप्स ले जा सकते हैं, ये बहुत अच्छे कारा के बहुत अच्छे वाइप्स हैं, आपकी नेल पेंट को वन स्वाइप में हटा देंगे, तो ये भी आप रख सकते हैं, ये भी मैं लेकर गई थी तो ये यहीं रखा था यार, याद नहीं रहा। तो आप जो है ना
इन सब में से जो भी चीजें चाहें आप ले जा सकते हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको ये नहीं लेगा, मेरे पास ये चीज नहीं है तो मैं क्या लगाऊं। तो मैंने आपको अपना पूरा ट्रैवल किट दिखा दिया है, आप चाहें तो आप ना ट्रैवल किट थोड़ा सा आइडिया लेके इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।